डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.52 ग्राम हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल ऑन इग्निशन गेव 0.995 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, तो 1.52 है, 0.995 है, 9190 है और 9 है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको ज़रा देखते हैं। देखिए, आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि भाई एक हाइड्रोक्साइड है और उस हाइड्रोक्साइड को आपने क्या किया, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, और वो मेटल ऑक्साइड में बदल रहा है। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, मेटल ऑक्साइड में बदल रहा है। ठीक है ना, तो कितना है मेटल हाइड्रोक्साइड, तो 1.52 ग्राम मेटल हाइड्रोक्साइड है, और ये जो होगा वो 0.995 ग्राम जो है मेटल ऑक्साइड में बदल रहा है। देन आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताना है। तो आपने कंसिडर कर लिया कि भाई लेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज ई। आपने मान लिया कि भाई इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना होगा, ई होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड मेरे को बता दो जरा, तो आप बोलोगे कि सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और प्लस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो ई हो गया, और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होगा, 17/1। वन कैसे, मतलब इक्विवेलेंट वेट होता क्या है एक्चुअली। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर होता है, वेयर एन फैक्टर इज द चार्ज ऑफ एन। तो चार्ज होगा इसका कितना, 1 है, तो और इसका मॉलिक्यूलर वेट आप ले लो तो ऑक्सीजन का कितना, 16 है, और हाइड्रोजन का 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 17। तो 17/1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वैल्यू जो आ गई वो ई प्लस 17 आ गई, क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा, तो ये भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल होगा प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो ई हो गया, और ऑक्साइड का क्या होगा, ऑक्साइड का एटॉमिक वेट जो होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। इसमें चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 8, यानी ये ई प्लस 8 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होगा वो आपका ये आ जाएगा, सही। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, आप इसको इससे चेंज कर रहे हो, तो जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपसे ये कहता है कि इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो हम यहीं पर लगा देंगे क्या, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देंगे, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स
ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ भी हो, जब आप एन फैक्टर को इन्वॉल्व कर ले रहे हो तो आप उसको जनरल एक फॉर्मूले में MOH और MO लिख सकते हो, ठीक है ना। सपोज किसी अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर हम यहाँ पर MO अगर बना रहे हैं तो ये MOH होल ट्वाइस होना चाहिए, तो मैं एक जनरल फार्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट में आप एन फैक्टर को इन्वॉल्व कर लेते हो तो फार्मूले से आपको मतलब नहीं रहता है उतना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो देखिए आपको वेट दिया हुआ है, अगर वेट से आप इक्विवेलेंट को चेक करो तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है क्या, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। अच्छा ये इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट किसका है, मेटल हाइड्रोक्साइड का, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट किसका होगा, मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। अच्छा अब मेटल हाइड्रोक्साइड का वेट दिया है, हाँ भाई दिया है, तो कितना दिया है, तो ये वैल्यू होगी 1.52। क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड पता है, हाँ पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड E+17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E+17 इक्वल टू, क्या वेट हमको दिया हुआ है मेटल ऑक्साइड का, हाँ दिया है 0.995 ग्राम दिया हुआ है, तो 0.995 हो जाएगा। बाय क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड पता है क्या, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड पता है E+8 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी E+8। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.52E हो जाएगा और प्लस 1.52 × 8 हो जाएगा इक्वल टू आपका हो जाएगा जाके 0.995E और प्लस हो जाएगा 0.995 × 17, सही है ना, ठीक। अब E वाला एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1.52E माइनस होगा 0.995E, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0.995 × 17 और माइनस हो जाएगा आपका 8 × 1.52। आप इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद में जब आप इसका आंसर लाएंगे तो ये आंसर जो होगा वो 9.057 आएगा। ये अगर आप इसमें E की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.057, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन D जो 9 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।